तो देखिए आपके सामने आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर बार पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके 2016, 2018, 2019, 2022, 23 और 24, 21 में पेपर ही नहीं हुआ था, तो लगभग लगातार सालों में ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आज आप इसे एकदम आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो फटाफट अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही टॉपिक्स सरल भाषा में मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गॉस का प्रमेय कहता क्या है। तो कथन आपके सामने है, पहले देख लीजिए, फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो जब आप गॉस के प्रमेय के कथन की बात करते हैं, तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, उससे परिबद्ध कुल आवेश, उससे परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब आपने समझा क्या, जैसे एक ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ मतलब कोई गोला ले लीजिए, जैसे गेंद होती है, उसके भीतर अगर कोई आवेश रखा है तो उस आवेश से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है ना, वो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब अगर बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश क्यू रखा है तो उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा आप कैसे बताएंगे? आपको क्या करना है, उस क्यू में 1/ε0 का गुणा करा देना है, आराम से मिल जाएगा। अर्थात गोले के भीतर 5 कूलाम का आवेश रखा है, 5×1/ε0। घन के भीतर 20 कूलाम का आवेश रखा है, 20×1/ε0। कहाँ है फ़र्क नहीं पड़ता है, कहाँ है फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उसके अंदर होना चाहिए। ये बात को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे है, ये मान लीजिए मैं एक गोला बनाता हूँ, मैं यहाँ पे क्यू रख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही फ्लक्स गुजरेगा जितना उसमें से गुजरा था। मतलब ये आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, फाई ई बराबर Q/ε0, यहाँ से आप देख सकते हैं, और आप वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जानते ही हैं, E.dA, जहाँ पे आपका ई वैद्युत क्षेत्र होता है, और जो आपका dA होता है वो क्षेत्रफल अवयव होता है। इनका जब समाकलन करते हैं तो हमें मिलता है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और चूँकि यहाँ पर गोला लगाया गया जो बंद समाकलन को दर्शाता है, तो जब आप किसी बंद पृष्ठ के लिए समाकलन करते हैं तो हमेशा गोला लगा कर किया जाता है। ये बात को याद रखिएगा, इससे पता लगता है कि आप इसे बंद समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया गॉस का प्रमेय का कथन। अब हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिएगा, अगर आपको भैया प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको एक बंद आकृति बनानी होगी। जैसे मान लीजिए आपने ये बना लिया, बन गया भैया बंद आकृति, कोई भी आकार का हो सकता है, मैंने गोला बना दिया है। अब इस गोले के भीतर मान के चलिए यहाँ पर एक आवेश रखा है भैया क्यू। अब इस क्यू के कारण गोले से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा आपको बताना है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि इस पर आप एक क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे, जिसे नाम दिया जाएगा dA। तो देखिए, आपने इस पर एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया छोटा सा, चूँकि भैया जैसे मान के चलिए कि ये एक गोला है, तो इस गोले पर एक छोटा सा अवयव आप ले लेंगे, ठीक है ना, छोटा सा एरिया इसका ले लेंगे, ये होगा क्षेत्रफल अवयव। अब जो छोटा सा अवयव आपने लिया है, उसके कारण केंद्र पर, ये केंद्र पर बोल रहे हैं जहाँ पे आवेश Q है, वहाँ पर एक कोण बनेगा, और भैया ये घन कोण बनेगा। घन कोण मतलब जैसे आप वो जोकर वाली टोपी देखेंगे, नहीं देखे हैं तो जोकर वाली टोपी देख रहे हैं, तो अंदर जो एंगल पूरा एंगल बनता है ना, ऐसे पूरा एंगल जो बनता है वो होता है घन कोण, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो भैया इस कोण को आप क्या बोलेंगे, घन कोण बोलेंगे, और इसका जो नाम है वो होगा डी ओमेगा, ऐसे चित्र में आप लिख दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ से आप एक रेडियस खींचेंगे, यहाँ से ये देखिएगा, ये ऐसे सीधा चला गया ना, ये आपका है डी ए, सॉरी ये आपका है ई, क्या है ई, जो कि केंद्र से सीधा सीधा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो क्षेत्रफल अवयव था, क्षेत्रफल अवयव का जो अभिलंबवत सदिश है कुछ इस तरह से जा रहा है, जिसे आप प्रदर्शित करेंगे भैया dA से। किससे प्रदर्शित करेंगे? dA से। इसके बीच का जो एंगल बन रहा है आप उसको लिख दीजिएगा थीटा, उसके बीच का जो एंगल बन रहा है आप इसको लिख देंगे थीटा। तो इतना चित्र आपको बनाना पहले गॉस के प्रमेय का प्रूफ करने के लिए। जब तक आप इतना चित्र नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपको नंबर नहीं मिलने वाला है।
तो भैया आपको इतना फिगर बनाना ही पड़ेगा, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। जब तक आप इतना नहीं बनाएंगे तब तक आपको नंबर एग्जामिनर नहीं देने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गोला बनाएंगे, गोले के भीतर एक आवेश रखेंगे और यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मेरी कलम से आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर ये चीज़ यही आपका क्षेत्रफल अवयव। फिर यहाँ से आपको सेंटर पर मिला देना है, मिला दिया आपने, और फिर वहाँ से आपको एक त्रिज्या खींचनी है बिंदु पी तक। यहाँ पे बिंदु पी मान सकते हैं आप, नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसी के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र ई होगा और जो आपने क्षेत्रफल अवयव लिया उसके लंबवत, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव लिया था ना, इसके लंबवत ऐसे ऊपर की साइड में, ठीक है ना, एकदम ऊपर की साइड में, वो होगा क्षेत्रफल अवयव सदिश। क्षेत्रफल सदिश अवयव रहेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच का कोण, ध्यान में रखेंगे भैया आप, इसके बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। कितना भैया, थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसलिए याद रखिएगा, इसलिए अब प्रूफ देखिए इसका, ध्यान से प्रूफ देखते जाइए आप। अब प्रूफ देख लीजिए, ये आपका प्रूफ है। इसलिए डी ए से गुजरने वाला, डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स, भैया क्षेत्रफल आपने छोटा सा लिया है तो फ्लक्स भी तो छोटा सा ही जाएगा, इसका मतलब जो फाई ई रहेगा उसके साथ भी आप डी लगा देंगे, डी फाई। और आपने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो डाट गुणन होता है वो गुजरने वाले फ्लक्स को बताता है। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव का जो डाट गुणन होता है गुजरने वाले फ्लक्स को बताता है। अब चूंकि ये डाट गुणन है भैया, तो डाट गुणन का जो सूत्र होता है वो दोनों का गुणनफल करके और कॉस थीटा कर दिया जाता है, दोनों का गुणनफल करके और क्या कर दिया जाता है, कॉस थीटा कर दिया जाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये इसकी कहानी हो गई। अब उसके बाद आप देखिएगा, मेरी बात समझिए जरा, यहाँ पे ये आप देखेंगे इधर, ये जो दूरी थी भैया, ये जो दूरी थी, कौन सी वाली दूरी, यहाँ से जो सेंटर से आपने ली थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आप इसको क्या बोलेंगे भैया, कुछ तो दूरी माननी पड़ेगी, आर मान लीजिए। अब चूंकि क्यू के कारण यहाँ पर इस पॉइंट पर, मान लीजिए इसे आपने पी मान लिया, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा क्या, एक बट्टे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं आपने, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये फॉर्मूले को आप वहाँ पर यूज करिए भैया, आप बस आपका गॉस का नियम हो गया प्रूफ, एकदम आसान है, एकदम आसान है। आप अगर नहीं समझते हैं तो भी आप केवल इस चीज़ को याद करके जाके पेपर में लिख दीजिएगा, क्योंकि फिक्स है आने वाला पेपर में आपके। तो जो आपका ई है, ई का मान है एक बट्टे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, कहाँ गया जी, आधा हिस्सा मैंने छोड़ दिया ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, हो जाएगा भैया। अब उसके बाद देखिएगा, आप क्या करिए, आप लिखिए क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा है बच्चा, डी फाई ई के बराबर आ रहा है। अब उसके बाद देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो डी ए कॉस थीटा है वो घन कोण का फॉर्मूला, बच्चा किसका फॉर्मूला है, घन कोण का फॉर्मूला है, तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू घन कोण अर्थात डी ओमेगा, और ये किसके बराबर आया, डी फाई ई के बराबर। आपको तो भैया कुल फ्लक्स चाहिए ना, ये तो छोटा सा फ्लक्स है, ये तो छोटा फ्लक्स है, इसलिए बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ज़रा देखेंगे आप क्या हो जाएगा भैया, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तुरंत ही आपको समाकलन कर देना है, फाई ई बराबर बंद समाकलन किसका, डी फाई ई, क्योंकि भैया बंद पृष्ठ से गुजर रहा है। और अब आप डी फाई का फॉर्मूला लिख दीजिए फटाक से, क्या लिखा आपने, क्या लिखा भैया आपने, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू डी ओमेगा। तो आप इसमें जान रहे हैं भैया,
क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो फिक्स रहता है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो फिक्स रहता है, तो आप उसको बाहर कर देंगे क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और बंद समाकलन हो जाएगा आपका डी ओमेगा का, और इस डी ओमेगा की जो वैल्यू है भैया वो हो जाएगी फोर पाई। इस डी ओमेगा की वैल्यू जो है वो फोर पाई हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो केंद्र पर अंतरित टोटल घन कोण होता है वो फोर पाई होता है। जैसे टोटल कोण वृत्तीय अंश पे बना हुआ 360 अंश का होता है, वैसे ही भैया 720 अंश का होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे मान रख देंगे क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू, इसका मान फोर पाई रख देंगे, तो आप देखेंगे फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया भैया, ये गॉस का नियम प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया जी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आप ऐसे लिख सकते हैं भैया, प्रूव्ड, ठीक है ना? ये ध्यान में रखिएगा, ये हो गया गॉस का नियम। देखिए कितना आसान शब्दों में प्रूफ हो गया भैया, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, मतलब चित्र बनाइए, प्रूफ कर दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी अन्य वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए कि कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं, फिजिक्स के किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, वो वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगी। धन्यवाद।